हेलो फ्रेंड्स, मेरे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ा प्रसाद। तो उसके लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने कणक का आटा लिया है, और ये चीनी, और ये देसी घी। ये तीनों चीज़ें हमने एक मात्रा में ही लेनी है। जितना आटा लेना है उतनी ही चीनी, उतना ही घी लेना है। और ये मैंने थोड़े से किशमिश ली है, और ये नारियल जिसको खोपा भी बोलते हैं उसको मैंने काट लिया है पतला पतला। हम जितना ये तीन कौली हमने ली है तो इतने ही तीन कौलियां ही हम इसमें पानी की डालेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, तो घी डाल देंगे। आप चाहें तो घी की मात्रा थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते तो थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो अब हम इसमें आटा डाल देंगे और इसको मीडियम सेक पर भूनेंगे ब्राउन होने तक। इधर हमारा आटा भुन रहा है तो इधर हम एक पैन में ये चीनी डालेंगे और इसमें तीन कौली पानी की डाल लेंगे। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसको हम सिर्फ चीनी घुलने तक बॉईल ही करना है, इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी। आटे को हमने मीडियम और स्लो आंच के बीच लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। ये हमारी चाशनी उबल गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। आटा हमारा ब्राउन हो गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, तो आंच को हम स्लो कर देंगे बिल्कुल। और इसमें मैंने जो ये नारियल लिया है थोड़ा सा, और किशमिश ली है वो डाल देंगे। अब मैं इसमें जो चाशनी है वो डाल दूंगी। बिल्कुल स्लो करके डालिए आप, साथ साथ हिलाते रहेंगे। अब हमें इसे मीडियम या स्लो आंच पर पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। ये हमारा कड़ाह बन के तैयार हो गया है। इसने कड़ाही को छोड़ दिया है और घी भी रिलीज कर दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा कड़ाह प्रसाद बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।